नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज़ में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। अब 5 अप्रैल से शुरू होगी होमगार्ड की बहाली, जाने भर्ती की पूरी प्रक्रिया। आखिर क्यों नहीं हो रहा बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, कहाँ फंसा है पेच, जानिए कारण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार की 1,00,000 महिलाओं को लगेगा कोरोना का टीका, मौके पर 55 डॉक्टर होंगे सम्मानित। अपने वाहनों के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को जल्द करें दुरुस्त, नहीं तो इस दिन से भरना होगा भारी जुर्माना। बिहार में कई शिक्षकों की नौकरी पर अब भी खतरा बरकरार, शिक्षा निदेशक ने लिखा पत्र, जाने किन कारणों से गिर सकती है गाज। लोक शिकायतों के निपटारे में पटना की सुधरी रैंकिंग, पिछले 2 माह में 34वें से 12वें स्थान पर पहुँचा। रेलवे का बड़ा ऐलान, अब 30 रुपये में मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन का भाड़ा भी हुआ दोगुना। अब बिहार में जबरन रिटायरमेंट का आदेश लागू होने लगा, पटना डीएम ने लिपिक को दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। अब कार से पेट्रोलिंग करेगी बिहार की हाईटेक पुलिस, 80 अर्टिगा और 300 बोलेरो खरीदने का ऑर्डर। 37,000 से ज्यादा माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट में एसटीईटी 2019 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। अब खबरें विस्तार से। बिहार के बांका में लंबे अरसे से अधर में लटके जिले के 2011 होमगार्ड बहाली प्रक्रिया आगामी 5 अप्रैल से शुरू होगी। इसको लेकर जिलाधिकारी सुवर्ष भगत ने शुक्रवार को एसपी अरविंद कुमार गुप्ता व होमगार्ड कमांडेंट त्रिलोकीनाथ झा के साथ बैठक कर रणनीति को हरी झंडी दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि बहाली प्रक्रिया में अब किसी प्रकार की देरी नहीं की जाएगी। विभागीय तैयारियां पूरी नहीं होने के कारण से विलंब हुई है, लेकिन आगामी 5 अप्रैल को शहर के आरएमके इंटर स्कूल में यह बहाली प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। इसके लिए प्रतिभागियों को अपनी पूरी कागजात की तैयारी कर लेने की अपील की है। इसके लिए पहले दौड़ प्रक्रिया शुरू होगी। प्रतिभागियों को 1.6 किलोमीटर दौड़ 6 मिनट में पूरा करना होगा। दौड़ में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों का हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक आदि लिया जाएगा। डीएम ने पारदर्शी तरीके से बहाली प्रक्रिया योजना तैयार करने का निर्देश दिया है, साथ ही शारीरिक जांच परीक्षा के लिए तकनीकी तैयारी की जानकारी ली। वहीं होमगार्ड अभ्यर्थियों को दौड़ प्रक्रिया कड़ी निगरानी से की जाएगी। बिहार में अप्रैल मई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है, इसे लेकर कई दिनों पहले ही दिशा निर्देश भी जारी हो चुका है। लोगों को इंतजार अब इस बात का है कि पंचायत चुनाव की ऐलान कब होगा, इसे लेकर हर रोज कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन तारीखों का ऐलान नहीं हो रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर तारीखों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल पटना हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण मामला अटका हुआ है। पटना हाईकोर्ट की हरी झंडी मिलते ही पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट का फैसला 10 मार्च को आने की संभावना है। मल्टीपोस्ट ईवीएम मॉडल 3 की आपूर्ति को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। इसमें भारत निर्वाचन आयोग से एनओसी दिलाने का अनुरोध किया गया है। बिहार में करीब 2.5 लाख त्रिस्तरीय पंचायत के पदों पर मतदान की प्रक्रिया अप्रैल मई में कराई जानी है। अभी तक आयोग द्वारा सभी स्तर पर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार की 1,00,000 महिलाओं को कोरोना टीका लगाया जाएगा, इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। ये बातें उन्होंने शुक्रवार को प्रभात खबर की तरफ से होटल लेमन टी में आयोजित डॉक्टर सम्मान समारोह के दौरान कही। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सूचना एवं जनसंपर्क सह जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताया। साथ ही कोरोना काल में टेली काउंसलिंग के माध्यम से आम लोगों तक डॉक्टरों की सलाह पहुंचाने और बेहतर कवरेज के लिए प्रभात खबर की सराहना की। समारोह में कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने वाले 55 डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के बेहतर काम से ही कोरोना पर नियंत्रण के मामले में बिहार का स्थान देश में पहले से तीसरे स्थान पर है। सड़कों पर बगैर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के घूमने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच के दौरान पाए जाने वाले उनके स्वामियों से परिवहन विभाग भारी जुर्माने की राशि को वसूल करेगा। बिहार सरकार ने सभी जिलों के परिवहन पदाधिकारी को इसके लिए विशेष निर्देश जारी किया है, जिसके तहत 12 मार्च से जिले के विभिन्न मार्गों पर विशेष रूप से पॉल्यूशन जांच अभियान शुरू की जाएगी।
बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में बेगूसराय समेत समूचे प्रदेश में 12 मार्च से पॉल्यूशन प्रमाण पत्र जाँच अभियान चलाया जाएगा। इस जाँच अभियान के तहत पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं रहने वाले वाहन स्वामित्वों के मोटरयान अधिनियम के तहत 10,000 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल की जाएगी, जबकि जुर्माने की राशि नहीं भरने वाले वाहन स्वामियों को वाहनों का जब्त कर लिया जाएगा। बिहार में कई शिक्षकों की नौकरी पर खतरा अभी भी मंडराया ही हुआ है। इंटर में 50% से कम अंक हासिल किए और ट्रेनिंग नहीं लेने वाले शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। केंद्र सरकार का ऐसा निर्देश भी है कि किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा में नहीं रखना है। वहीं इस मामले को लेकर अब बिहार का शिक्षा विभाग भी गंभीर दिख रहा है और प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को +2 के प्रमाण पत्र को जारी करने की मांग भी की गई है। बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक बताए जाते हैं जिन्होंने NIOS से DLED का कोर्स किया है। NIOS के माध्यम से ही +2 की परीक्षा के द्वारा अपना अंक प्रतिशत बेहतर करने वालों को अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इस माध्यम से +2 की परीक्षा पास किए वैसे DLED शिक्षक जो 50% से अधिक नंबर भी ले आए हैं उनके नौकरी पर खतरा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिक्षकों के आवेदन पर गंभीरता दिखाते हुए बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पटना के क्षेत्रीय निदेशक को पत्र लिखा है जिसमें शीघ्र कार्रवाई करने की बात कही गई है। लोक शिकायत के निपटारे में पटना जिले की स्थिति पिछले 2 माह में काफ़ी सुधरी है। इसके चलते दिसंबर 2020 में 34वें स्थान पर रहा पटना जिला फरवरी 2021 में ऊपर उठकर 12वें स्थान पर पहुंच गया है। यही नहीं, लोक प्राधिकारों यानी संबंधित पदाधिकारियों की उपस्थिति भी सुधर आया है। जनवरी 2021 में जहां लोक प्राधिकारियों की उपस्थिति 83% थी, वहीं मार्च 2021 में बढ़कर 86% हो गई है। शुक्रवार को लोक शिकायत निवारण अधिकारी अधिनियम में संबंधित अनुमंडलवार समीक्षा बैठक के बाद DM डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने इसकी जानकारी दी है। देश में बढ़ती महंगाई के बीच रेलवे ने भी यात्रियों को एक बड़ा झटका दिया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान आम आदमी अब रेलवे का भी राजस्व बढ़ाएगा, क्योंकि अब भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट भी महंगा कर दिया है। जो टिकट 10 रुपये में मिलता था वो अब 3 गुना ज़्यादा यानी कि 30 रुपये में मिलेगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के कारण आम आदमी का बजट पहले से ही बिगड़ा हुआ है, लेकिन अब उन्हें राहत नहीं मिलने वाला है। उधर रेलवे ने भी प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, जिसका असर जनता पर पड़ रहा है। रेलवे ने 10 रुपये में मिलने वाला प्लेटफॉर्म टिकट अब 50 रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं, रेलवे की ओर से लोकल किराया में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। रेलवे की ओर से पैसेंजर ट्रेन की जगह एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा शुरू की गई है, जिसके किराए में बढ़ोतरी हुई है। मुसाफिरों को 10 की जगह 30 रुपये देकर लोकल में सफ़र करना होगा। बिहार में नीतीश सरकार सरकारी संघ सेवकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के फैसले को सख्ती के साथ लागू कर रही है। पटना में एक लिपिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। दानापुर SDO कार्यालय के लिपिक रहे अभी सिन्हा को पटना के DM डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया है। फिलहाल अभी सिन्हा निलंबित चल रहे थे, उनका मुख्यालय प्रखंड कार्यालय धनरुआ में था। अभी सिन्हा के खिलाफ अनुमंडल कार्यालय दानापुर में रहते हुए प्रपत्र का गठित किया गया था। उन पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप लगा है। आयुक्त पटना प्रमंडल के तरफ से 12 अगस्त 2018 को किए गए औचक निरीक्षण में उन्हें अनुपस्थित पाया गया था। इसके बाद लिपिक अभी सिन्हा को निलंबित कर दिया गया था। अभी सिन्हा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए अपर समाहर्ता पटना को संचालन अधिकारी और अवर निर्वाचन पदाधिकारी दानापुर को उपस्थान पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जांच प्रक्रिया के दौरान लिपिक अभी सिन्हा को शो कॉज नोटिस जारी किया गया और अलग अलग तारीखों पर सुनवाई के लिए उन्हें बुलाया गया, लेकिन वह लगातार अनुपस्थित रहे। न्यायालय की सुनवाई के लिए 13 तारीखों में से उन्होंने किसी भी में अपना पक्ष नहीं रखा। इसके लिए बाद तथ्य की समीक्षा के बाद संचालन पदाधिकारी के मतलब सहमत होते हुए पटना DM ने बिहार सरकारी सेवक की नियमावली के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया है। बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। अपराध पर नकेल कसने के लिए राज्य की पुलिस को और भी ज़्यादा हाईटेक बनाने की तैयारी है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुंबई और UP पुलिस की तरह बिहार पुलिस भी अब स्मार्ट पुलिस बनने जा रही है। राज्य में अब अर्टिगा और बोलेरो जैसी गाड़ियों में गश्ती करने की योजना है। इसके अलावा सरकार पुलिस डिपार्टमेंट को
300 से अधिक मोटरसाइकिल भी देने जा रही है, जिसमें पुलिस वाले पेट्रोलिंग करेंगे। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक बिहार पुलिस के लिए फिलहाल 80 अर्टिगा की खरीद हुई है। इसके अलावा करीब 300 बोलेरो की खरीदने की तैयारी है। इतना ही नहीं, 379 मोटरसाइकिल को क्रय करने की भी तैयारी है, ताकि किसी भी जिले में पुलिस दल आसानी से गश्ती कर सके, जिसके लिए अपराध पर नकेल कसा जा सके। माना जा रहा है कि सरकार बिहार के हर जिले के लिए 2-2 अर्टिगा कार ले रही है, जो टाउन थाना को दी जाएगी। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर राज्य सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्य में माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। साल 2019 में ली गई एसटीईटी परीक्षा को चुनौती देते हुए री एग्जाम के लिए हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका खारिज कर दी गई है। इसके साथ ही एसटीईटी के रिजल्ट पर लगाई हुई हाईकोर्ट की रोक भी स्वतः खत्म हो गई है। पिछले साल सितंबर माह में हुई एसटीईटी की पूर्ण परीक्षा को कानून चुनौती देते हुए रिट याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।